आपका नाम प्रॉपर नाम मेरा नाम रिया गुलाटी है। मैं बीए प्रोग्राम से हूँ फाइनल ईयर से और मैं इस साल प्रेसिडेंट की पोस्ट पर खड़ी हूँ श्रद्धानंद कॉलेज से। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है इसको लेके। हम इस बारी एबीवीपी का पूरा जो संगठन है इसके काम पे लगे हुए थे पिछले 2 साल से और अब फाइनल ईयर में इन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं चीज़ों को सुधारूं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पहली बार जो लड़की खड़ी हुई है वो विजय होकर यहाँ से निकले। धन्यवाद। कैसा लग रहा है इस बार आप पहली बार खड़े हुए हैं? लग रहा है इस बार क्या? जी जी बिल्कुल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अब पहले के हिसाब सब कुछ बहुत चेंज हो चुका है। पहले ये था कि लोकल सपोर्ट से लोग इलेक्शन लड़ते थे, इस बार सबको मौका दिया जा रहा है, सबके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं और सबको मौका दे रहे हैं। थैंक यू। इसलिए कंटेस्ट कर रहा हूँ स्वामी सदन कॉलेज से। एबीवीपी से एम पैनल है हमारा और इस साल हम एबीवीपी से बहुत कुछ बदलाव करना चाहते हैं जो कि पिछली बार भी नहीं हो पाया था, सीट नहीं निकाल पाए थे हम। इस साल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी सीट निकाल के लाएंगे हम सारी जो भी सीट है हमारी। पहली बार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कैसे रहेगा क्योंकि इस बार तो प्रतिबंध भी लगाया गया है? अब की बार हम पूरी मेहनत कर रहे हैं सीट निकालने के लिए। पिछली बार वाले चुनाव नहीं है, पिछली बार बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, अब की बार कुछ ऐसा माहौल नहीं है क्योंकि अब की बार लोकल कैंडिडेट कोई नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब की बार इलेक्शन बहुत हल्का है, इसलिए हम सीट निकाल लेंगे। अब क्या कुछ रूल्स बनाए गए हैं कॉलेज की तरफ से इलेक्शन चुनाव के? हाँ जी, रूल्स वही हैं कि कोई पोस्टर वगैरह ना चिपकाए, फिर भी और कैंडिडेट चिपका रहे हैं इस पर बंद है, रोक है, नॉमिनेशन भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम कोई फालतू पोस्टर नहीं लगा रहे हैं। इससे हमारे बहुत फर्क रहा है, कॉलेज की गंदगी होती है इससे और पूरे कॉलेज को चीट वगैरह लगा देते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं लगा रहे हम अब की बार। मेरा नाम प्रशांत है, मैं रोहिणी का विस्तारक हूँ। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आने वाली 12 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव होते हैं, उसी के निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट आती है। आज हमारे रूट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संभावित प्रत्याशी सुधीर बेड़ा और ज्योति चौधरी कुछ ही समय पर यहाँ आने वाले हैं। उसके अलावा रोहिणी में 4 ऐसे डिग्री कॉलेज आते हैं जिसमें एक श्रद्धानंद है, जहाँ पर हम इस बार एवीपी का पैनल उतार रहे हैं। उसमें हमारी रिया जी हैं जो इस बार छात्र संघ चुनाव के मैदान में हैं, साहिल जी हैं और ये मुकुल जी हैं जो इस बार हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल तले इस बार इन्हें उतारेंगे। आप इनसे बात। तो इस बार पिछले चुनाव हुआ था उसमें और क्या कुछ चेंजिंग है? देखिए, इस बार की विश्वविद्यालय के प्रशासन की वजह से इस बार होर्डिंग बैनर आपको अनऑथराइज कहीं नहीं मिलेंगे, जो एमसीडी के पोल हैं वहीं पर दिखेंगी। दिल्ली पुलिस की भूमिका इसमें बढ़ चुकी है, अगर कोई भी अनऑथराइज पोस्टर कहीं पकड़ा जाता है तो 50,000 तक जुर्माना और ऑन द स्पॉट जो वहाँ पकड़ा जाएगा वो सीधे जेल जाएगा। तो इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को थोड़ा सा बैनर से अलग करने की कोशिश की है। इस बार सभी रूल फॉलो किए जा रहे हैं? रूल फॉलो कर रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सारे रूल्स का लिंग दो के जितने भी रूल का पूरा सम्मान करती है और हम उन्हीं के निमित्त उन्हीं के अंतर्गत चुनाव लड़ने के मूड में हैं। अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर। मेरा नाम ज्योति चौधरी है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ और मेरा दायित्व प्रांत से मंत्री का है। अभी इस बार इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें किस तरह का योगदान रहेगा, किस तरह आप करोगे काम आगे? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्री इलेक्शन कैंपेन में जो 9 कार्यकर्ता हमारे उतारे गए हैं उनमें से एक हूँ और अभी हम लोग हर एक कॉलेज में प्री कैंपेन में जा रहे हैं, जिसे आज मैं श्रद्धानंद कॉलेज भी आई हूँ। इसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं और स्टूडेंट्स के बारे में हम अपनी मांग रख रहे हैं कि हम लोग जब आएंगे कॉलेज के अंदर या फिर अब डूसू के अंदर आते हैं और हम डूसू के अंदर जब नेतृत्व करेंगे तो हम लोग उन्हें बताएंगे कि हमारा जो डिमांड है, बेसिक डिमांड जो है वो है मेट्रो फेयर को कम कराने की। हम लोग डिमांड करेंगे जो हमारे कैंपसेज हैं वो क्लीन रहे, वो ग्रीन रहे। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें, बता सके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन उनके लिए कितना काम करता है, उनके लिए हमेशा छात्र हितों के लिए कितना खड़ा रहता है। महिला सुरक्षा की हम बात ही नहीं करते हैं, हम लोग उनके लिए स्टैंड भी लेते हैं। जैसे हमने अभी हाल ही में सैनिटरी नैपकिन जीएसटी फ्री कराए हैं, तो हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को बता सकें कि हम लोग हर साल भर जो काम करते हैं उन्हें उस बेसिस पे हम लोगों को जिताना चाहिए। हेलो, मेरा नाम सुधीर है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ। इस बार दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, प्लीज़ वोट करने जरूर आए। कैसे संगठन को वोट करना है ये सोच समझ कर वोट करें। मेरी ग्रेजुएशन तो रामदास कॉलेज से हुई और अभी एमए का स्टूडेंट हूँ। ऐसा डूसू जो छात्र हितों की बात करता है, जो छात्रों का हनन करता है। हम सभी स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन 2013 में 4 साल की हो गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र संगठन था जिसने इसकी लड़ाई लड़ी। उस समय NSY के अध्यक्ष थे जिन्होंने साइन करे अपने राजनीतिक फायदे के लिए मेमोरेंडम पर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और तानाशाह VC दिनेश सिंह जी यहाँ के VC थे। उन्होंने
NSY के अध्यक्ष ने एक बार भी नहीं सोचा जो छात्र हितों की लड़ाई के लिए छात्र हितों का जो हनन होगा, एक साल की उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई दिल्ली जैसे महंगे शहर में रहकर करनी पड़ेगी, खाने पीने का खर्चा कितना महंगा होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस दर्द को समझा, गरीब परिवार के दर्द को समझा, FIP को रोल बैक करवाया, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हितों की लड़ाई लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। ऐसे संगठन को वोट करें जो छात्र हितों की लड़ाई। अब क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान करेंगे? छात्रों की अभी जो समस्या है वो सबसे ज्यादा आ रही है कि मेट्रो के जो किराए बढ़ाए गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए पिछले कुछ महीनों में प्रोटेस्ट करती आई है और करती भी रहेगी, और हमारी ये मांग है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बार जो चीज ठानी है तो उसको जरूर करवा के रहती है, चाहे FIP हो चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेट्रो के कम किराए के लिए पूरी जी जान लगा देगी, पूरा संघर्ष करेगी और उसको रोल बैक करवा कर ही दम लेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इस बार चुनाव प्रचार नहीं रहेगा, किस तरह कैसे करोगे? बहुत बड़ी चुनौती है बिना चुनाव प्रचार। जब आप साल के 365 दिन छात्रों के बीच में रहोगे तो आपके नाम पहुंचाने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम काफी है, क्योंकि छात्रों को पता अगर कोई उनकी आवाज उठाता है, छात्रों की आवाज उठाता है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। मैं और मैं BSc फाइनल का इसी कॉलेज का स्टूडेंट छात्र हूँ और मैं इस बार प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। इस साल आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नए नए रूल्स आए हैं। इस साल हम लोग चाहते हैं कि बैनरों का और कार्ड्स का इस्तेमाल कम हो गया, हम ग्रीनरी के साइड जा जाए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे पिछले साल भी क्या हुआ था यहाँ पे, जब कैंडिडेट अलग अलग पोस्टों से आते हैं, अलग अलग कॉलेजों से यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ पे पेपर वर्क बहुत यूज होता है, जिसके लिए दूसरे बच्चों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और खासकर लड़कियों को ईव टीजिंग वगैरह। तो यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि ये कॉलेज देहात के नाम से बहुत बदनाम हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि ये कॉलेज को बढ़ा चढ़ा कर हम आगे नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस की तरफ लेके चलें। और क्या समस्याएं हैं इस कॉलेज के अंदर इसको लेकर आप जाने में? सबसे ज़्यादा जो समस्या यहाँ पे बच्चों की हमें सुनने में आई है वो है आउटसाइडर्स की एंट्री। ये कॉलेज आसपास बहुत सारे गांव लगते हैं, तो यहाँ पे आउटसाइडर की एंट्री बहुत ज़्यादा, बच्चे खासकर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से दुखित आ रही है। और जो लड़की यहाँ पे हमारे अलीपुर थाना में हम कल एप्लीकेशन डाल के आए हैं, SHO साहब से मिल के आए थे, जिसमें यहाँ पे कल महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस भी कल से तैनात हो जाएंगे। मेरा नाम अभिषेक, मैं BA प्रोग्राम 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब क्या समस्याएं हैं कॉलेज के अंदर और चुनाव नजदीक हैं और चुनाव में आने वाले जो भी प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? हमारा कॉलेज आधा खराब है, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइडर की बहुत एंट्री है, आउटसाइडर की वजह से यहाँ पे हमारी कॉलेज की लड़कियाँ सेफ नहीं है, दूसरी बच्चे दूर दूर से आते हैं, और हमारी कॉलेज की कैंटीन बिल्कुल ख़राब है। कॉलेज की कैंटीन का मतलब होता है कि सस्ता खाना, लेकिन हमारी कैंटीन में जो बाहर का प्राइस है वही अंदर मिलता है, बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पर बच्चे परेशान हैं, ओल्ड बिल्डिंग वाले सबसे ज़्यादा परेशान हैं, वहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, पंखे की समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं जो उनको बहुत दिक्कत रही। तो चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी करेंगे? चुनाव के लिए हम बच्चों से जोड़ रहे हैं, हम बच्चे उनको एक बोल रहे हैं कि आप जैसे चुने एक अच्छा कैंडिडेट चुने अपनी तरफ से, बच्चे देखेंगे कि उनको कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कैसे वो किसको वोट करेंगे, ये सब कुछ हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के आते हैं। एक बार दिल से एक बार मिल के विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, रे BBP जिंदाबाद। श्रद्धानंद कॉलेज BA प्रोग्राम सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, ABVP रोहिणी विभाग से हूँ। जैसे कि पता है 12 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव है, इस साल चुनाव बहुत ही जोरों शोरों से चल रहे हैं और मैं भी इस बार ABVP SSM यूनिवर्सिटी सेंट्रल काउंसिल का प्रत्यक्षी हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जिन्होंने मुझको ये मौका दिया कि मैं इसी पैनल का हिस्सा बन सकूँ और कॉलेज के बदलाव में अपना सहयोग दे सकूँ। रिपोर्टर भाई साहब फिक्स हो?
मेले खींच कर ले हर्षित भाई और वो भाई क्या डेढ़ा डेढ़ा।